क्या मन युक्ति है गाना चालू और बताबो बाप क्या बाबू और बताबो बाप क्या बाबू बहु बापू तुम्हारे कहने का मतलब जो अब्दुल चाचा अपने घर में कभी कभी आया जाया करते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं? गीता दीदी काम तो आज कॉलेज नहीं चलेंगे, जाओ चाचा के पास चले जाओ, उसे बोल देना बापू की तबीयत नहीं ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते देख लेना चाहता हूँ, साथ ही लेकर के आना ठीक है? ठीक है दीदी, तू बापू का ख्याल रखना, मैं अब्दुल चाचा को साथ ही लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ। नमस्ते दीदी। आज भगवान ने वो गरीबी दड़की जो एक पैसा नहीं है तो मैं आपका अच्छा सा इलाज करवा सकूं बिटिया। लेकिन कहने वालों ने सच ही कहा है, जो किस्मत में लिखा होता वही बनता है। बात सही कहा देने वाला
क्रांतिकारियों ने किसने कितनी ठान दी। अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं जिनका नाम है अब्दुल मियां। पेश होते हैं अब्दुल मियां। देखो कौन से बयान को आपके मजलू के सामने अर्ज करते हैं। बैठे सभी भाइयों को अब्दुल मियां की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे ही लोग अब्दुल मियां के नाम से जानते हैं। मैं ग्राम मधवापुर का रहने वाला हूँ। हमारे ही गांव मधवापुर में एक हमारे ही परम मित्र जिनका नाम है बद्दल किसान, हमारी उनसे मित्रता है। वो दो महीने से बीमार रहते हैं। हम तो अल्लाह पाक से ही दुआ करते हैं, या मेरे मौला, या मेरे अल्लाह, बहुत जल्द भाईजान बद्दल किसान को सुबह से फरमाओ जिससे वो ठीक हो जाए। लेकिन उनकी तबीयत में कुछ बदलाव नहीं हो रहा। आज नमाज का वक्त हो गया है। हम नमाज अदा करने के बाद भाईजान से मिलने के लिए जरूर जाएंगे और देखते हैं उनकी तबीयत में कुछ बदलाव हुआ या नहीं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे बहुत से भाई बिरादर हैं जो मृत्यु लोक में आने से पहले अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, या मेरे अल्लाह, या मेरे मौला, मुझे मृत्यु लोक में भेजो, मैं वहां जाकर के तुम्हारा गुणगान करूंगा। लेकिन मृत्यु लोक में आने के बाद उन्हें रोजी रोजगार से फुर्सत ही नहीं, जो वो दो वक्त अल्लाह पाक का नाम ले सके। उन्हें यही नहीं मालूम कि मैं अल्लाह अल्लाह पाक की नमाज अदा करने से हमें क्या मिलता है। शायद जिस दिन उन्हें इसका ज्ञान हो जाएगा तो खुद ब खुद अल्लाह पाक का नाम लेना शुरू कर देंगे। अल्लाह के रसूल का फरमान वाम है इस्लाम में नमाज का पहला मुकाम है। अल्लाह के रसूल का फरमान आम है इस्लाम में नमाज का पहला मुकाम है। या मौला, मैं तुमसे यही फरियाद करता हूँ मेरे भाईजान बद्दल किसान को अब्दुल से फैसले फरमा दो जिससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। मैं तुम्हारी दरगाह तक आ तो नहीं सकता, हवाओं से पैगाम तो भेज ही सकता हूँ कि मेरे भाईजान को बहुत जल्द से फैसले फरमा दो। अल्लाह से मेरी फरियाद करना और जहां रब कभी और मदनी सवरिया और हमरा संदेशा ले जा
बेटी बेटी गीता क्या बात है? चाचा आज तो बहुत उदास है। चाचा आज मेरे बापू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे बापू तुम्हें देखना चाहते हैं और देखने के लिए तुम्हें घर पे बुलाई। बेटी भाई इनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है और वो देखने के लिए हमें घर पे बुलाए हैं। जी चाचा। बेटी जा तो रहा था मैं नमाज अदा करने के लिए, लेकिन भाई इनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है और उन्होंने देखने के लिए हमें घर पे बुलाया है। तो चल बेटी हम पहले भजन से मिलते हैं और देखते हैं उनकी तबीयत में कुछ बदलाव। चलो ना चाचा। आपका बदन तो आप कैसे चल रहा है? क्या आपने दवा नहीं लिया है क्या बेटी सीता? इसलिए दवा तुमने नहीं लिया है क्या? दवाई तो थोड़ी बहुत खाती हूँ लेकिन बापू समय पे खाते नहीं तो मैं क्या करूँ बताओ। देखो भाईजान यदि आप समय से दवा नहीं खाएंगे तो फिर आप ठीक कैसे होंगे, और यदि आप ठीक नहीं होंगे तो फिर ये आपकी बेटी सीता और गीता ये दोनों किसके सहारे रहेंगे भाईजान? भाईजान अब तुम दवाई की चक्कर में ना पड़ो भाई। बोलवाए तुम कहे मेकी बदी की एक बात तुमसे कहिया हूँ। कौन सी बात भाईजान? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? भाईजान गांव में इतना किसान रहते हैं कोई हमारे साथ सुनाई देती है। तुम पर हमारा बहुत बड़ा विश्वास है भाईजान। ये दो बिटियन के सेवा पढ़ा खुद तुम्हें है कह सकते हैं। हमारा आखिरी वक्त है भाईजान। भाईजान आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह पाक चाहेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे भाईजान। ठीक है भाईजान। दवाई की चक्कर में ना पड़ो। एक बात है कहिया है ये हमारी दो बिटिया हैं इनकी सेवा पर दाखिल तुम्हें कह सकते हो। आज तुमने अपनी दो बिटिया ने क्या हाथ हाथ तुम्हारे हाथ हाथ गए अपने बिटिया ने कही है सौंप दे ना भाईजान सौंप दे। भाईजान आज अगर आपने अपने भाई बहनों में विश्वास ना करके और हम पे भरोसा विश्वास किया है तो मैं अपने अल्लाह की कसम खा करके तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी बेटी सीता गीता मैं इन्हें अपनी बेटी मान कर इनकी परवरिश करूंगा, इन्हें पढ़ाऊंगा। बात और आखिरी वक्त है हम हिंदू आप मुसलमान हो हमारी बिटिया ने केवल तीन धर्म बरकरार रखे। हमारे हिंदू धर्म में हमारी बिटिया ने केवल शादी कर दी हो भाईजान और भाईजान आपसे हम वादा करते हैं तुम्हारी बेटी हिंदू है और हिंदू ही रहेगी। मैं इनकी शादी का हिंदू धर्म में ही करूंगा। अब चलो अपने हम दवा ले देते हैं। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पक चाहेंगे तो आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। हम तुम्हारे हाथ के तने में पानी पिए यहाँ लगती हमारे बहुत सूख है। सीता जा थोड़ा पानी लेकर जाओगे तो बहुत प्यास लगी है। क्या देख रहे हैं भाईजान? कुछ नहीं है भाईजान। भैंसा अरे बोलने से क्या है बाप कोई नहीं है तुम्हारे पानी पियो पानी पियो।
लाला ये तूने क्या किया, भाईजान को तो मौत की चादर उड़ा दिया। मत रो बेटी, मत रो बेटी गीता, आज मेरे बच्चों परिवार को शायद बेटी अल्लाह पाक को यही मंजूर था, तुम्हारे बापू का साथ आज तक था बेटी, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक करेंगे। ये क्या हो गया बापू? देखो बेटा, जब तक मिट्टी पड़ी रहेगी बेटिया उन्हें बंद नहीं करेंगी, इसे जल्दी से व्यवस्था करो, मेरे इंतजाम करो, मौसम खराब है। शायद अल्लाह पाक को यही मंजूर था बेटी। हाय पापा, हमार 3 दिन से आज रोटी नहीं खाएंगे। मौसी पानी है खोपड़ी, पानी लेकर के आसमान को करवाओ।
जा बैठो बिटिया, ज्यादा ना रहो ने पढ़ाई नहीं आखी भैया सच्चा के यहाँ काजल नवाजे सच्चा ना पाप ना रहा है साथ डीला लाया जा रही भैया छोटू हिंदू भाई राम राम करो मुसलमान भाई दरुद शरीफ भेजो पढ़ पढ़ शर्म वाली बात ना है ना नहा तो हम का ला हूं हवाई जो रख रख मार कर बहु सी अरे ए भैया ए भैया नहा तो नहा तो भैया शर्म ना करो भैया आखिरी नहानो है भाई लप्पा कहा दिया हजूर ने अब कहा नहीं अरे तुम साथ डीला उठाएगा करम नहीं याद अच्छा बहुत बढ़िया रहा बता जाती हमारे साथ दूर है जरूर लोग पी रहा है ये जल्दी करो बादल कर दिया अरे Yeah.
जहाँ जहाँ लोग खेला है ऐसे करते कहीं माची लाए जहाँ जहाँ लोग खेला है ऐसे करते कहीं छोटा देखो गांव के बाहर कहाँ बुलुम कंडा खेल रहा है पोता के ना बुलाए दो भैया कुलदीप पोता यह वाल ले जाओ भैया वह चचा के जो कुनिया है वह कुनिया में है रख 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 हाय चचा बचपन में मेरे मामा जी छोड़ करके चली गई।